नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन प्राइड में। आज हम आपको जो आपने अक्सर घर की दीवारों में देखा होगा, सीलन चढ़ गई है, कभी नीचे की तरफ से चढ़ रही है, कभी ऊपर की तरफ से आ रही है, अलग अलग जगह से आपने अलग अलग पोर्शंस में देखी होगी कि वो सीलन आ रही है। तो वो सीलन क्यों आती है, उसका रीज़न जानेंगे। अगर वो सीलन आ गई है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाए। अगर आप नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आप पहले से उसकी सावधानियां रखना चाहते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वो आपका जो सीलन है बाद में नहीं आए, तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए जिसकी वजह से आपको आगे भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। और अगर आ गई है आपके घर में, मकान में, पुराने मकान में, या जो आपका जो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर सीलन आ गई है, तो उस सीलन को कैसे रिपेयर किया जाए और क्या क्या प्रोडक्ट्स उसके लिए यूज़ में लेते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और क्या उसकी कॉस्टिंग आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वो बताएंगे। और प्लस आपको हम वो पूरी जो प्रोसेस है वो करके दिखाएंगे। एक दीवार पे हमारा एक साइड पे हम अभी काम किया, उसका पूरा हम आपको करके दिखाएंगे कि कैसे उसको हमने मतलब उसकी रिपेयरिंग निकाली, उसकी कैसे उसको वो जो केमिकल है या फिर जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ में ले रहे हैं वो कैसे बनाया, कैसे उसको अप्लाई किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन पैड में। दोस्तों, सीलन आने के मेन जो प्रॉब्लम्स है वो हम आपको बताएंगे। जब नया कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तब मेन जो उसका प्रॉब्लम है लीकेज आता है वो कहाँ से आता है, वो उसके लिए जब आप पाइपलाइन डालते हैं, पानी की पाइपलाइन जो डाल रहे हैं, जो छत से जो टंकी आपका जो भी है, सीमेंट टैंक है या जो पीवीसी का जो टैंक है, उस टैंक से आप जब लाइन जोड़ के सब तरफ मकान में जब फैलती है, बाथरूम में भी जाएगी, किचन में भी जाएगी, जहाँ जहाँ भी पॉइंट्स दिए हैं अपने नल के कनेक्शन के, वहाँ पे पाइपलाइन डालते हैं। तो पाइपलाइन अगर पूरी तरीके से चेक नहीं की जाती है, प्लास्टर करने से पहले उस वो जो वो आपने पाइपलाइन डाली है उसको अच्छे से चेक करनी पड़ती है। दो या फिर तीन दिन उसको वो आप अच्छे से चेक करें। कई बार कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो जल्दबाजी के चक्कर में, उनको जल्दी रहती है, थोड़ी काम जल्दी जल्दी हो, उस चक्कर में वो पाइपलाइन अच्छे से चेक नहीं करते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है इन फ्यूचर आपको सीलन के रूप में मिलता है। तो सबसे पहला रीज़न यही है कि आपको मेन जो रीज़न है वो यही होता है कि आपको जब पाइपलाइन डाल दी है तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन तक अच्छे से चेक करें, कहीं लीकेज आ रहा है तो आप उस टाइम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ सही आपको कहीं अगर आपका पानी का फोर्स कम आ रहा है या फिर कहीं पानी कम अटक रहा है, कहीं पाइपलाइन अगर चौक है तो भी आप उसको सही कर सकते हैं। ये सब प्लास्टर होने से पहले ही करें ताकि ये आपका जो रिपेयरिंग है या फिर जो भी लीकेज का इश्यू है वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा बाथरूम के आसपास एरिया में जो उसकी दीवारें हैं उसमें सीलन आ जाती है। तो दूसरा मेन रीज़न यही है कि अगर बाथरूम अगर आपके हैं तो बाथरूम में वाटरप्रूफिंग कराना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 3-3 फीट तक के एरिया में आपको वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए, जिससे आपका मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जब टाइल्स लगा दी, टाइल्स में अगर अच्छे से ग्राउटिंग अच्छे से नहीं की है या फिर आपने सीमेंट या जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ में ले रहे हैं वो अगर अच्छे से नहीं फील किया है तो पानी कई बार आपकी दीवारों में अंदर चला जाता है। उससे क्या होता है, अगर सीलन आपकी दीवारों में आना चालू हो जाती है और धीरे धीरे वो दूसरी जगह भी इफ़ेक्ट करती है। तो जितने भी आपके बाथरूम में, अगर फर्स्ट फ्लोर है तो भी आपको हर एक बाथरूम में वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए। उसके बाद अगर आपको सेकंड या थर्ड, दो या तीन से दो, एक से दो फ्लोर्स हैं तो जो सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे जो बाथरूम है उस पर भी वाटरप्रूफिंग करानी चाहिए। साथ साथ में जो आप ड्रेनेज पॉइंट के लिए कोर कटिंग करते हैं उसको अच्छे से पैक करना चाहिए, उसको बिटुमिन और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको अच्छे से पैक करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर वो उस कोर कटिंग के वहाँ पे अगर अच्छे से उसको पैक नहीं किया तो वहाँ से पानी धीरे धीरे पूरे छत पे और छत का जो एरिया है उसमें आपका पूरा फैल जाता है और उसमें भी कई बार उसकी वजह से भी आपको सीलन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये दीवार पे पूरा सीलन आई हुई है, जो देखा हो पपड़ी भी निकली हुई है और मतलब काफ़ी डैमेज। तो इसको हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से पहले इस पे जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये जो पपड़ी है टाइप में जो निकल जाता है प्लास्टर, वो उस पूरा एक्स्ट्रा पार्ट हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। फिर हम जो ये है अब फॉसरॉक का हमने केमिकल टू कंपाउंड वाला जो केमिकल रहता है जिसे ब्रश बाउंड नाम से आता है मार्केट में, उसका यूज़ में लेंगे। तो उसका रेशियो आपको दिखाएंगे, तो जैसे 2 लीटर हमने केमिकल लिया है और उतना का उतना ही हम 2 लीटर के करीब हम उसमें पानी डालेंगे
और 2 लीटर के अंदर तकरीबन ये 5 किलो का कैन आता है वैसे तो, पर जैसे हमको आधी थोड़ा दीवार कम करना है, हम पूरा कंपाउंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये ब्रश माउंट का फोर्स रॉक का आप देख सकते हैं इसको, ये फोर्स रॉक ब्रश माउंट करके आता है, इस पर लिखा हुआ भी है ब्रश माउंट, जो कि मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और ये 2 कंपाउंड आता है तो ये काफ़ी मतलब जितने भी आपके रिपेयरिंग एरिया है, सिलन एरिया है, इस पर बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिव काम करता है। आप इसी केमिकल के थ्रू आप जो बाथरूम में भी अगर वाटरप्रूफिंग करना चाहते हैं तो ये यूज़ में ले सकते हैं। ये आपका केमिकल का है, और जो ये जो कट्टा देख रहे हैं उसमें पाउडर फॉर्म में आता है, तो ये 2 कंपाउंड है। तो ये पूरा इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जो मेन जो जहाँ पे आप जो आपने प्लास्टर और जो एरिया हटाया है, जहाँ से आपने टीचे मार के इसको हटाया है, कहीं जगह बहुत ज़्यादा वो मटेरियल निकल गया है, तो पहले जो हमने एक गाढ़ा पेस्ट बनाया है उससे हम पूरा इसको पूरे एरिया को अच्छे से इसको फिल कर देंगे। जहाँ पे ज़्यादा प्लास्टर हो, जहाँ पे ये जो आपके पपड़ी है वो ज़्यादा निकल गई, तो उसको पहले हम उस गाढ़े पेस्ट से उसको अच्छे से फिल कर देंगे ताकि आपका जो गड्ढे हैं वो बढ़ जाए। उसके बाद हम ये फर्स्ट प्राइमर जिसको बोलते हैं, प्राइमर कोट थोड़ा सा पतला रहेगा वो, ताकि अच्छे से जल्दी सूख जाए वो, तो वो हम एक पूरी दीवार पर इसको एक अच्छे से इसको पेंट जैसे उसको पूरा अच्छे से लगा देंगे, ताकि आपका जो फर्स्ट प्राइमर कोट है वो अच्छे से हो जाए, जो कि अच्छे से पकड़ करेगा, आपका जो प्राइमर कोट रहेगा वो मेन रहेगा। उसके बाद जब सेकंड कोट करेंगे आप, तो सेकंड कोट में थोड़ा सा आप उसको और गाढ़ा बनाएंगे, तो आप देखेंगे ये पूरा हमने करके ये हमने फर्स्ट कोट किया है, और इसके बाद हम इसी पे हम सेकंड कोट भी करेंगे, जो कि थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट रहेगा। और ये आपका 2 कंपाउंड फोर्स रॉक का है ब्रश माउंट, काफ़ी अच्छा रहता है, और ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका मतलब सिलन 100% आपका इसमें सिलन का इशू सॉल्व कर देगा आपको। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस थी सिलन को रिपेयर करने के लिए। ये फोर्स रॉक का 2 कंपाउंड ब्रश माउंट करके आता है, ये काफ़ी ईजी मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है, और बहुत ही इजी टू अप्लाई करना है, जिस कोई ज़्यादा बहुत लंबा ऐसा प्रोसेस नहीं है। आपको रेशियो मैंने बता दिया है, अगर 2 लीटर अगर आप केमिकल ले रहे हैं तो 2 लीटर पानी मिला के उसमें उतना का उतना आप जो है पाउडर फॉर्म में है उसको इतना गाढ़ा जैसा आपको गाढ़ा करना है, थोड़ा सा उसको वैसा आप बना सकते हैं, पेस्ट टाइप बनाना चाहते हैं तो पेस्ट टाइप, या फिर आप थोड़ा पतला करना चाहते हैं, जैसा आपका एरिया है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो होता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो कॉस्टिंग जो है आपका पर स्क्वायर फीट कम से कम इसकी कॉस्टिंग आएगी 35 से 40 रुपए के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। जो फोर्स रॉक का जो ये है आपका कितना बैग लग रहे हैं, कितना केमिकल लग रहा है उस पर है, तो ये इसकी अप्रोक्स कॉस्ट जो है लेबर से ही जो कॉस्ट बता रहा हूँ, लेबर भी इसमें इंक्लूड है, 35 से 40 रुपए के आसपास इसकी कॉस्ट आती है, और आपको ये मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, या फिर आपको कोई डाउट है इसको कैसे अप्लाई करते हैं, और या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, आपको वाटरप्रूफिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इंटीरियर सिविल रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपको उस चीज़ की कंप्लीट लाइव हम करके दिखाएंगे। जो भी प्रोसेस हम बताते हैं वो आपको कंप्लीट लाइव करके दिखाते हैं कि कैसे उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं, या फिर क्या कॉस्टिंग आती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप हमें बस आपके टॉपिक बताइए, ताकि हम उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।